प्रज्ञा की उड़ान अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विशेष, जिले की बेटी प्रज्ञा की उड़ान। किसान की बेटी ने तलवारबाजी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जिले का नाम रोशन। वहीं अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त किया सिल्वर मेडल। बता दें कि प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन उनको प्रोत्साहन एवं सहयोग न मिलने की वजह से आज कई प्रतिभाएं आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। आपको बता दें, जिले एवं देश का परचम लहराते हुए अंतर्राष्ट्रीय एशियन जूनियर कैडेट फेंसिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया। जिले के छोटे से गांव निवारी में रहने वाले किसान नरेंद्र सिंह चौहान की बेटी 18 वर्षीय प्रज्ञा सिंह चौहान, जो कि एक साधारण कृषक की बेटी है, परिवार का जीवन भी बड़ा संघर्षशील रहा। प्रज्ञा की दो और बहनें हैं। प्रज्ञा के दादा ने बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी जमीन बेचकर उनकी पढ़ाई लिखवाई कराई। इसके साथ ही प्रज्ञा ने तलवारबाजी पकड़ी और ट्रेनिंग शुरू कर दी, जिसके बाद प्रज्ञा के मन में भी उनके जैसा बनने का विचार आया। ग्वालियर में खेल अकेडमी में पुरस्कार वितरण समारोह में खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के एक बयान की, सोच बड़ी रखो और खुद पर काम करो, आप भी देश के लिए रोल मॉडल बन सकते हो। शायद अब वह वापस खेल की ओर नहीं जाएगी, लेकिन दादा और पापा के समझाने पर उसने भोपाल में आकर खूब मेहनत की और राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक अर्जित किए। प्रज्ञा बताती है कि राष्ट्रीय स्तर पर वह 11 पदक अर्जित कर चुकी है, जिसका श्रेय वह मध्य प्रदेश राज्य खेल अकेडमी और अपने कोच भूपेंद्र सिंह को देती है। इन्हीं सबके सहयोग और प्रेरणा की वजह से प्रज्ञा ने जूनियर एशियन प्रतियोगिता में पदक अर्जित किया। प्रज्ञा का सपना है कि वह आगे भी देश के लिए पदक अर्जित करे और ओलंपिक तक पहुंचे। छुट्टी करने के लिए वीडियो को कुछ बोल साइड कर लो, उस साइड मेरा नाम प्रज्ञा सिंह चौहान है। मैं पन्ना जिले के छोटे से गांव निवारी से हूँ। मैं मध्य प्रदेश राज्य फेंसिंग अकादमी की खिलाड़ी हूँ। मेरी उम्र 19 साल है। मेरे पिता एक साधारण किसान हैं। जब मैं 8th क्लास में थी तो मेरे घर वालों ने मुझे स्पोर्ट्स में डाला। हालांकि तब मुझे स्पोर्ट्स में इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उनका निर्णय अब सही साबित हुआ है और आज 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद मैंने जूनियर एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल किया है, जिसका श्रेय मैं राज्य खेल अकादमी और खेल मंत्री माननीय श्री यशोधरा राजे सिंधिया मैम और हमारे कोच भूपेंद्र सिंह चौहान को देना चाहूंगी। और यही उम्मीद करती हूँ कि आप सभी के सहयोग से मैं आगे भी देश के लिए खेलूं और देश के लिए स्वर्ण पदक लाऊं। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो क्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।